हे गाइस, वेलकम टू DroidRox YouTube चैनल। आज के और एक फ्रेश वीडियो में आपको टॉप 3 बेस्ट फाइल ट्रांसफर एप्स के बारे में बताऊंगा। जो इससे पहले मैंने और एक वीडियो अपलोड किया था, उस वीडियो पे आप सभी ने बहुत अच्छा प्यार दिया और सपोर्ट किया है, उसके लिए यार थैंक यू। और ये उसी वीडियो का थर्ड पार्ट है। इस वीडियो में आपको जितना भी फाइल ट्रांसफर एप्स के बारे में बताऊंगा, सभी एप्स बेस्ट होने के साथ साथ आप जो है ना किसी भी इमेज, वीडियो या फिर कोई भी डाटा एक फोन से दूसरे फोन में बहुत ही फास्टली ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर जानना चाहते हैं बेस्ट और फ्री फाइल ट्रांसफर एप्स के बारे में तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में फास्ट फाइल ट्रांसफर ऐप का नाम है एक्सेंडर। तो आपने कभी न कभी एक्सेंडर एप्लीकेशन यूज किया ही होगा, ये उसी का कॉपी वर्जन है। इस ऐप को फास्ट टाइम यूज करते समय आपको लोकेशन ऑन करना होगा, ब्लूटूथ ऑन करना होगा और साथ ही साथ जो भी परमिशन ये मांगेगा वो आपको परमिशन देना होगा। उसके बाद इस ऐप को आप यूज़ कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम यूज़ करते समय मुझे कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। एक फोन से दूसरे फोन में कनेक्ट करते समय आसानी से कनेक्ट हो गया था। यहाँ पर मैंने एक वीडियो ट्रांसफर किया है लगभग 400 MB के आसपास मेरा रेडमी के फ़ोन से रियलमी के फ़ोन में। अगर मैं इस एप्लीकेशन का डेटा ट्रांसफर स्पीड की बात करूँ तो लगभग मुझे 3.5 MB के आसपास इस ऐप का स्पीड देखने को मिला है, जो कि ओनली 2 मिनट के अंदर ये जो वीडियो है एक फोन से दूसरे फोन में ट्रांसफर हो गया था बहुत ही आसानी से। तो मैं ये इतना कहना चाहूँगा, इस ऐप में जो स्पीड है ना वो ओके है, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है, बट फिर भी ये एक बहुत ही अच्छा फाइल ट्रांसफर एप्लीकेशन है जो कि बहुत ही आसान से कनेक्ट हो जाता है एक दूसरे फोन में। सो चाहे तो आप ये वाला एप्लीकेशन भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन रुको जरा, अभी वीडियो स्किप मत करना, बाकी 2 फाइल ट्रांसफर एप्लीकेशन बाकी है जो मैंने अभी बताया नहीं है। सेकंड फाइल ट्रांसफर एप्लीकेशन का नाम है शेयरमे। जब से मैंने रेडमी का फ़ोन लिया है तब से मैं इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा हूँ किसी भी इमेज, वीडियोस या डेटा ट्रांसफर करने के लिए। अगर आप फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे तो आपको लोकेशन परमिशन, स्टोरेज परमिशन देना होगा, तभी ये एप्लीकेशन काम करता है। और सबसे अच्छी बात है, इस ऐप में आपको कोई भी एड्स वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। और मैंने एक फ़ोन से दूसरे फोन में जब कनेक्ट करने की कोशिश किया था तो आसान से कनेक्ट हो गया था, कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। और वही सेम 400 MB का वीडियो शेयर करने वाला हूँ इस रियलमी के फ़ोन से रेडमी के फ़ोन में। अगर मैं इस ऐप की डेटा ट्रांसफर स्पीड की बात करूँ तो मुझे जो लास्ट स्पीड देखने को मिला है वो है 11.8 MB के आसपास। गाइस यार काफ़ी ज़्यादा स्पीड है इस ऐप का। 51 सेकंड के अंदर ये जो वीडियो है ना ट्रांसफर हो गया था, आप देख सकते हैं, जो कि यार बहुत ही सरप्राइज हो गया हूँ मैं। तो अगर आप एक फास्ट फाइल ट्रांसफर एप्लीकेशन सर्च कर रहे हैं तो ये एप्लीकेशन मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके गाइस, अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और चाहे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट और थर्ड फाइल ट्रांसफर एप्लीकेशन का नाम है गूगल प्ले स्टोर। जी हाँ, आपने सही सुना। तो गाइस, आपके फोन में जो भी गेम्स है, जो भी एप्स है, अगर आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली गूगल का छोटा सा ट्रिक है जो शायद किसी को पता नहीं है। तो अगर आप किसी भी गेम या फिर एप्स को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जाना होगा गूगल प्ले स्टोर में, और यहाँ पे आपका जीमेल का लोगो देखने को मिलेगा, इस पर आपको टैप करना है। और यहाँ पे टैप करने के बाद आप और एक ऑप्शन देख सकते हैं, मैनेज एंड डिवाइस का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं गाइस, शेयर एप्स का ऑप्शन, चाहे रिसीव कर सकते हैं, सेंड पे क्लिक कर सकते हैं और एक दूसरे फोन को कनेक्ट कर सकते हैं बहुत ही फास्टली। आपको लोकेशन परमिशन देना होगा, ये भी परमिशन मांगेगा। तो उसके बाद गाइस, यहाँ पर अगर मैं डेटा ट्रांसफर स्पीड की बात करूँ, जो मुझे नॉर्मल स्पीड देखने को मिला है वो 2.7 MB के आसपास। अगर मैक्सिमम स्पीड की बात करूँ तो 3.5 MB के आसपास मुझे लास्ट स्पीड देखने को मिला है। तो ओवरऑल बात करें, अगर आप बिना किसी ऐप को इंस्टॉल करके कोई भी गेम्स या फिर ऐप्स आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो ये गूगल प्ले स्टोर का ट्रिक जरूर ट्राई करना, काफ़ी मस्त ट्रिक है। आई होप गाइस आप सभी को ये बेस्ट फाइल ट्रांसफर एप्लीकेशन पसंद आया है। और इन सभी एप्लीकेशन में कौन सी एप्लीकेशन आप यूज़ करेंगे फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, आपके फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।